हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आँख की समझन क्षमता और इंग्लिश मीडियम में पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ दी आई इसको पढ़ने जा रहे हैं। ये आँख की समझन क्षमता क्या चीज़ होती है इसको जानने के लिए हमने दो फिगर बनाया है। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया है, ये हमारी आई है, आई का ये लेंस है और यहाँ पर जो इमेज बन रहा है ये रेटिना पे बन रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमको तब दिखाई देता है जब उस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बनता है। अगर रेटिना से पहले या रेटिना के बिहाइंड बनता है तो वो ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई नहीं देती है, ऐसे आइज को हम लोग कहते हैं डिफेक्टिव आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग फार पॉइंट पे रखे हैं यानी इन्फिनिटी पे रखे हैं नॉर्मल आई के लिए, और उस ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और इसका लेंस द्वारा रिफ्रैक्शन हो करके इस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बन रहा है। जबकि इस केसेस में यहाँ पर जो हमारा फोकल लेंथ है आइज का वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या किया गया है, जो नॉर्मल आई होती है, सामान्य आँख होती है, स्वस्थ आई होता है, उसका जो नियर पॉइंट होता है यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है कहाँ पे, नियर पॉइंट पर यानी 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। इसके बाद भी देख रहे हैं कि ये हमारी जो आँख है इस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना परफॉर्म कर रही है, ये रेटिना होता है। ठीक है, रेटिना पे फॉर्म कर रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी उस केसेज में यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ ऑफ आई लेंसेज मिनिमम, जब दूर वस्तु रखी हुई है, दूर ऑब्जेक्ट रखी गई है तो उस केसेज में फोकल लेंथ ऑफ आई जो है वो मैक्सिमम होती है, और जब पास ऑब्जेक्ट रखी गई होती है उस केसेज में लेंस की जो फोकल लेंथ है यानी फोकस दूरी वो मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है। इस तरह से हमारे आँख में यह क्षमता होती है कि फोकस दूरी को यानी फोकल लेंथ को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसको चेंज करने का काम जो होता है सिलियरी मसल्स द्वारा किया जाता है। ये सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो क्या कर सकता है कि आँख की जो फोकल लेंथ है उसको चेंज कर सकता है। तो हम कुल मिला के क्या कह सकते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आइज क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ आइज टू चेंज द फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन पावर ऑफ द आई। ठीक है, यानी कि लेंस की वह क्षमता या हमारी आँख की वह क्षमता जिसके कारण लेंस आँख की लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक कर सकता है या आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर सकता है, बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है, उस क्षमता को ही हम लोग आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी जिस गुण के कारण या जिस प्रॉपर्टी के कारण हमारी आँख फोकस दूरी को कम अथवा अधिक कर सकती है, यानी दूर की वस्तु को देखने के लिए अधिक फोकस दूरी और पास की वस्तु को देखने के लिए कम फोकस दूरी में परिवर्तित कर सकती है, आँख की इस क्षमता को ही आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि सिलियरी मसल्स इसमें करता क्या है। सिलियरी मसल्स इसमें ये करता है कि जब हम लोगों को दूर की वस्तु को देखना होता है तो हमारी मसल्स जो होती है सिलियरी मसल्स वो रिलैक्स मोड में हो जाती है, और रिलैक्स मोड में होने के बाद क्या होता है कि जो हमारी आँख की लेंस होती है वो काफ़ी थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, जिससे उसकी जो है फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाती है। जबकि दूसरे के नेक्स्ट जो हमारा केसेज है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पास में रखी होती है तो उस ऑब्जेक्ट का में क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और आँख की जो लेंस होती है उसकी थिकनेस एक तरह से इंक्रीज कर जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि कर्वेचर ऑफ द आई लेंस वो इंक्रीज कर जाती है। इससे क्या होता है कि लेंस थीकर हो जाता है, मोटा हो जाता है और फोकल लेंथ उसकी कम हो जाती है, यानी कि फोकस दूरी कम हो जाती है। जब फोकल लेंथ कम हो जाती है तो इस तरह से हम लोग पास की वस्तु को भी क्लियरली देख लेते हैं। इस तरह से हमारे आँख में दोनों तरह की यानी क्षमता होती है कि इट कैन सी द
नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाई चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ. दिस प्रॉपर्टी ऑफ आई लेंस इज कॉल्ड अकोमोडेशन पावर ऑफ द आई. ठीक है, फिर से सुनिए. नॉर्मल आई हैज द प्रॉपर्टी टू चेंज इट्स फोकल लेंथ व्हेन वी वांट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स और फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. दिस प्रॉपर्टी ऑफ चेंजिंग द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आईज. यानी किसी आँख के द्वारा फोकल लेंथ को चेंज करने की जो प्रॉपर्टी है उसको आँख की पावर ऑफ अकोमोडेशन या कह सकते हैं आँख की समंजन क्षमता कहते हैं. ठीक है, तो